नाम शबीर है, ये मेरा भाई फारूक है और ये इसका लड़का है शौकत हुसैन। इसके प्रार्थना थी, इस फारूक ने बाकी लोगों को भी बोला लेकिन किसी ने इसकी बात को तवज्जो नहीं दिया और न ही इस लड़के को किसी ने पंचर लगवाई। तो फिर इसने आर्मी को बोला, आर्मी आई और इस लड़के को उठा के ले गई, इस लड़के की मेडिकल करवाई और मेडिकल करवा के इसको पेंशन लगवाई। और आर्मी के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और डॉक्टर परवेज के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंडियन आर्मी क्या कुछ नहीं करती, चाहे हम ग्लेशियर की बात करें, हम बॉर्डर की बात करें, हम रेगिस्तान की बात करें, किसी को बचाने की बात करें, या यूं कह दीजिए कि ऑल इन वन जो काम है वो इंडियन आर्मी करती है। आपने देखा होगा कि कहीं पे बाहर आ जाए वहाँ पर आर्मी काम आती है, बॉर्डर पे कुछ हो जाए वहाँ पर आर्मी काम आती है, किसी को मेडिकल की सुविधा देनी हो वहाँ पर आर्मी काम आती है। तो यानी कि हर जगह, हर शहर में हमें इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं दिन भर कोई ना कोई कारनामा करती हुई देखने को मिलती है। जी हाँ, ये बात राष्ट्रीय राइफल्स की है, विलेज नैलगाम छात्रू ब्लॉक जिला किश्तवाड़ की बात है, जहाँ पर शौकत हुसैन, उम्र इनकी 13 साल की है और ये जो है बचपन में, या ये जो है पैदा विकलांग हुए थे। जब राष्ट्रीय राइफल्स की नज़र जो है इन पर पड़ी, इन्होंने उस बच्चे को देखा, उसकी तकलीफ़ को समझा, क्योंकि ये पैदाइशी विकलांग थे। तो आप सोच ही पा रहे होंगे कि पहाड़ों की अगर हम बात करें तो पहाड़ों में जीवन जो है वो कितना कष्टी से बीतता है, और अगर उन्हीं पहाड़ों पर कोई विकलांग हो जिसे सुनाई ना दे और जिसके सपने जो है बहुत ऊंचे हों, तो वो शख्स जो है किस तरह से वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहा होगा। तो जब राष्ट्रीय राइफल्स की नज़र जो है इस बच्चे पर पड़ती है और इन्होंने, इनकी जब बातचीत उस बच्चे से होती है, तो इन्हें तब जाकर पता चलता है कि ये बच्चा जो है विकलांग है, इसे जो है डिजीज है और ये सुन नहीं सकता है, जिसके चलते जो है इंडियन आर्मी इसकी हेल्प के लिए जो है आई। जहां तक उसके परिवार की अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दें कि मैक्सिमम अगर हम अपने डोडा ज़िला या हमारे जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें, तो लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे की फुलफिल जो नीड्स हैं उन्हें पूरा कर पाएँ या उनकी हर एक जो भी ज़रूरत है से जो है वो पूरा कर सके। बहरहाल उनकी फैमिली से बातचीत करके पता चला कि ये पैदाइश से जो है विकलांग पैदा हुए हैं और ये अपनी ज़िंदगी में कुछ तो करना चाहते हैं लेकिन क्या कर पाएँ, क्योंकि इनको सुनाई नहीं देता है, ये अपने मानसिक स्थिति पर ये ठीक नहीं है, तो आखिर हम करें भी तो करें क्या। इनकी जो है ट्रीटमेंट के लिए पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, हज़ारों में जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसा लग पाता, लेकिन जब आरआर को पता चला इस बारे में, आरआर जो है वहाँ पर पहुँची, आप देख पा रहे, और मेडिकल करवा के इसको पेंशन लगवाई। और आर्मी के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और डॉक्टर परवेज के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। होंगे विजुअल में भी साफ तौर पर कि किस तरह से इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने इस बच्चे को जो है अपनी पीठ पर उठाकर लाया है। जब इसको अपनी पीठ पर उठाकर लाते हैं और इसका जो है ट्रीटमेंट कराते हैं और किस तरह से हियरिंग एड जो है इस बच्चे को दिया गया, और इस बच्चे का सपना जो है वो एक पेंटर बनने का सपना है, ये चाहता है कि ये अपनी ज़िंदगी में जो है पेंटर बने, ताकि उस इसी से जो है ये अपनी आगे का जो जीवन है उसे जो है चला पाए, आप आगे जो है अपने जीवन में कुछ कर पाए। तो सल्यूट है इंडियन आर्मी को कि वो इस तरह के, जहां पर अगर हम आज के समय की बात करें तो बिना पैसे के जो है कोई भी कुछ भी नहीं करता है, बिना पैसे के कोई आपको एक टॉफ़ी तक नहीं दे सकता, लेकिन आज भी हमारी इंडियन आर्मी ऐसी, इंडियन आर्मी ऐसा काम करती है, चाहे हम रूरल एरियाज़ की बात करें, चाहे हम बॉर्डर्स की बात करें, या पूरे देश में कहीं भी किसी कोने में कोई भी बात करें, तो इंडियन आर्मी हर समय जो है लोगों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहती है। और वही आरआर ने, राष्ट्रीय राइफल्स ने जो है विलेज नैलगाम छात्रू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के इस बच्चे के साथ जो है, जिसका नाम शौकत हुसैन था, उम्र 13 साल थी, इसके साथ जो है इसकी ज़िंदगी जो है वो अलग कर दी, इसकी ज़िंदगी के जो सपने हैं उसे कामयाब करने में जो है अपना हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया। और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से बातचीत करा कर जो है इस बच्चे की पेंशन भी लगा दी गई है कि ये विकलांग है, और इसके विकलांग की पेंशन की भी जो है गुजारिश
सिफारिश की गई है कि इसे जो है पेंशन लगाई जाए और साथ ही में हेयरिंग एड जो है इस बच्चे को मुफ्त में जो है दिलाई गई है और इस बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट हुआ, जहां से जो इसका परिवार था वो भी बहुत खुश है और साथ ही में बच्चे का जो सपना था पेंटर बनने का, आप विजुअल्स में भी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है ये बच्चा पेंटिंग कर रहा है और जिससे इस बच्चे की जो है ज़िंदगी आने वाले दौर में जो है वो बहुत अच्छी बन पाए और ये अपने जो सपने हैं वो पूरा कर पाए। तो सल्यूट है इंडियन आर्मी को कि इस तरह के कारनामे जो है वो करने करती रहती है। चाहे हम बात करें फार फ्लंग एरियाज की, बात करें हम गुंदना की, आप सभी को बता दूँ कि बाहर जितने भी फार फ्लंग एरियाज है जहाँ पर जो है बड़े बड़े लोग, या हम बात करें नेता जो हर वक्त जो है डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं, वो लोग जो है इन जगहों पर काम नहीं कर पाते हैं जहाँ पर इंडियन आर्मी जो है पहुँचती है और अपना काम जो है बेखूबी निभाती है। तो इंडियन आर्मी को एक बार फिर जो है द लोकल रिपोर्ट धन्यवाद करता है कि आप इस तरह के काम जो हैं करते हैं लोगों के बीच में, जो है लोगों का प्यार जो आपके लिए है ये हमेशा बना रहे और आप इस तरह ही अपने मंसूबों में अपने लोगों के सपने और बेहतर बनाने में यूं ही काम करते रहे। वी प्राउड इंडियन आर्मी, आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ और राजकुमार को दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम शबीर है, ये मेरा भाई फारूक है और ये इसका लड़का है शौकत हुसैन। इसके प्रॉब्लम थी, इस फारूक ने बाकी लोगों को भी बोला लेकिन किसी ने इसकी बात को तवज्जो नहीं दिया और न ही इस लड़के को किसी ने पेंशन लगवाई। तो फिर इसने आर्मी को बोला, आर्मी आई और इस लड़के को उठा के ले गई, इस लड़के की मेडिकल करवाई और मेडिकल करवा के इसको पेंशन लगवाई। और आर्मी के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और डॉक्टर परवेज के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जोर का बंदा यो भी खुश है।